YouTube की पब्लिक टी शर्ट फाड़ के स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। तो गाइज यार, तुम्हारे भाई ने जो कि दो कबूतर के बच्चे रेस्क्यू किए हैं, तो गाइज यार पहले तो आपके दिमाग से मैं ये निकालना चाहता हूँ कि आप लोगों के यार दिमाग में ये बहुत ही ज़्यादा रहता है कि यार कबूतर शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, तो गाइज ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ अपना बनाया हुआ है इंसानों का ही। तो गाइज कोई भी बर्ड है जो कि अशुभ और शुभ नहीं होता है, इस चीज़ को दिमाग से आप निकाल दें। और आप क्या है कि अगर आपको कोई भी बर्ड का बेबी मिलता है तो गाइज उसे बचाएं और अपनी इंसानियत दिखाएं। और गाइज यार कई लोगों में तो इंसानियत मर चुकी है, गाइज लोग कहते हैं यार ये अशुभ होता है इसे नहीं उठाना चाहिए, तो गाइज ये दिमाग से आप निकाल दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज यार लाइक कर दीजिएगा और साथ में भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लेना उल्टी टोपी वाला। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि ये दो गाइज कबूतर के बच्चे मैंने रेस्क्यू किए हैं। और गाइज तो गाइस यार इनको भी मैं फीड कराऊंगा, आप भी बताइएगा। और ये गाइस यार ये बहुत ही ज़्यादा जो कि डरे हुए हैं, तो इनका डर भी निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस ये लगभग 22 से 24 दिन के ये बच्चे हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो गाइज अब आपको बता दूं, फीड के लिए हमें एक बर्तन चाहिए होगा जो कि आपको नज़र आ रहा है, कोई भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की हो चाहे स्टील की कटोरी हो। एक अपन को चाहिए सिरिंज और एक आगे चाहिए जो साइकिल के अंदर वॉल लगता है, वो आपको मिल जाएगा आसानी से साइकिल वाली दुकान पर, जो कि पाइप होती है वो चाहिए। और साथ में अपन को चाहिए मैरी गोल्ड का बिस्किट जो कि आपको नज़र आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है गाइज फीड भी कराना। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो कि मैं दो बिस्किट ले रहा हूँ गाइज, और अच्छे से इनको पानी के अंदर गीला कर लेना है और एकदम गाइस जो कि गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो उंगली से अच्छे से मिला लेते हैं और फिर गाइस मिलाने के बाद आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज यार अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, सिरिंज के अंदर जो कि इस पेस्ट को भरना है और निकालना है। तो गाइज ये अच्छे से क्या है कि सिरिंज में जो कि पेस्ट है जो कि फंसेगा नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 बार ये करना है गाइज, अच्छे से भरना है और निकालना है। तो गाइज ये इस तरीके से ये जो कि पूरा भर लिया है और एकदम मतलब ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो चुका है, और जो कि ये सिरिंज में जो कि आराम से निकल जाएगा। अब अपन को एक कबूतर का बच्चा जो कि मैंने उठा लिया है, और गाइज यार इनका नाम मैंने राम और श्याम रखा है, जो बड़े वाला है उसका मैंने नाम राम रखा है और छोटे वाले का श्याम रखा है। तो गाइज अभी इसको पकड़ कर इधर लेके आते हैं, और गाइज काफ़ी ज़्यादा ये जो कि डरे हुए हैं, इनका डर गाइज निकालना ज़रूरी है। अगर डर निकला नहीं तो गाइज ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कई बार ये बोलते भी नहीं है। तो गाइज इसका जो कि पेट पूरा खाली हो चुका है। तो गाइज ये जो कि फर्स्ट बार मैं करा रहा हूँ इनको फीड, और वैसे तो काफ़ी बार कराए हुए हैं, पर गाइज ये जो साइज है इस साइज को मैं फर्स्ट बार करा रहा हूँ। तो इसकी चोंच खोलनी है, और गाइज ये जो सिरिंज है जो कि रबड़ वाली आपको आगे नज़र आ रही होगी वॉल, ये जो कि इसके मुँह में डाल देना है, और गाइज फिर धीरे धीरे आपको ये दबाना है, हल्के हल्के से हाथों से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद गाइस जो कि आराम से फीड है जो कि इसकी धीरे धीरे पेट में चली जाएगी, और अपन को वापस खोलना है। तो गाइस रुक रुक के आप दे सकते हैं, ये देखिए गाइस ये पूरी फीड है जो कि इसके पेट में चली गई है। तो गाइस आपको कम से कम एक बच्चे को 20 ml तक आपको ये फीड खिलानी है गाइस, जो मेरे पास सुई है वो 10 ml की है, तो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। तो आपको 20 ml जो कि आपको फीड करानी है इसको, और साथ में गाइस 2 से 3 या 4 ml तक आप पानी पिला सकते हैं, तो पानी भी पिला देना, क्योंकि गाइस गर्मी चल रही है उस वजह से क्या है कि कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, पानी नहीं गला है वो सूखने लगता है, इसलिए आप पानी भी पिला दें फीड कराने के बाद। तो गाइस अब मैं जो कि शाम को फीड कराऊंगा राम को, जो कि मैंने फीड करवा दी है। तो गाइस शाम को आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि किस तरीके से मैंने इसके मुंह में जो कि सिरिंज डाली है, हल्की सी चोंच है जो कि खोल लेनी है और फिर सिरिंज डाल देनी है, और धीरे धीरे आपको प्रेस करना है ऊपर से। और गाइस जो कि 10 ml फीड मैंने जो कि इस शाम को करवा दी है। तो गाइस जब फीड कराने के बाद आप जो कि थोड़ा पानी भी पिला दें, जो कि आपको पता ही है गर्मी चल रही है, तो गर्मी में गाइस जो कि गला इनका सूखे नहीं, इसलिए पानी भी डाल दो और जो कि खाना भी हजम हो जाए। तो पानी भी पिला देते हैं, और गाइस एक बर्ड को कम से कम आपको 20 ml फीड करानी ज़रूरी है।
मेरे पास जो इंजेक्शन है वो गाइस 10 ml का है, इसलिए दो सिरप भर कर आपको बर्ड को खिलानी है। ये देखिएगा 10 ml का है जो कि मेरे पास सिरिंज है, क्योंकि आपको एक बर्ड को 20 ml तक वो भी एकदम गाइस मैंने जो कि सही तरीका आपको बताया है। और गाइस अगर ये तरीका अच्छा लगता है तो गाइस यार लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दूँगी छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, कम से कम 14 से 12 साल के बच्चे जो कि आराम से जो भी कबूतर के बच्चे को फीड करा देंगे। और लास्ट में आपको फीड कराने के बाद पानी पिलाना जरूरी है। तो गाइज अब फीड अपन ने करवा दी आराम से इनको। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो गाइज यार आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज यार आपको बता दूँ जो कि ये कबूतर के बच्चे अगर मैं घर पे नहीं लेकर आता तो यह कुत्ता खा जाता या ये भूखे प्यासे मर जाते। तो गाइज यार मेरी जो कि नज़र इन कबूतर के बच्चों पर पड़ी और फिर मैं इन्हें घर पर लेकर आ गया। तो गाइज यार जो कि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, कोई भी बर्ड या कोई भी डॉग का बेबी अगर मिलता है मुसीबत में है तो गाइज यार उसकी मैं हेल्प करता हूँ। गाइज यार आप भी हर दिन यार कुछ नया करें और कुछ अच्छा करें और जितना ज़्यादा हो सके जानवरों की गरीबों की हेल्प करते रहें। तो गाइज यार मिलते हैं इस वीडियो से, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो गाइज कमेंट करिएगा। और साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।